ऑनलाइन कोर्स इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। ये आप लोग ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बहुत सारे अलग अलग वीडियोस रील्स इन पे देखे होंगे कि ऑनलाइन जो भी वीडियोस होते हैं या कोर्सेज जो होते हैं स्पेशली वो स्कैम होते हैं। तो एक्चुअली में अगर आप इसकी रियलिटी जानोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन जो वीडियोज होते हैं या कोर्सेज होते हैं वही ही स्कैम कर रहे होते हैं। ऑफलाइन भी होते हैं, लेकिन ऑफलाइन के टाइम पर क्या होता है, लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ये ठगी हुई है, सबके साथ नहीं हुई। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में वो चीज़ सबके सामने आ जाती है, क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी एक ने भी कमेंट किया, मुझे उससे रिलेट हुआ, तो मैं भी समझ जाऊंगा कि ये स्कैम चल रहा है, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम सबके साथ है। लेकिन ऑफलाइन में ये वाली फीलिंग आ नहीं पाती। तो ऑफलाइन में भी ये काम होता था, वही लोग जब ऑनलाइन स्विच हुए, मतलब वही जो फ्रॉड करते थे जब वो ऑनलाइन स्विच हुए, तो उन लोग ने ऑनलाइन में भी इस चीज को बिजनेस बना लिया। अब इसको समझना जरूरी है, हर एक कोर्स जो भी ऑनलाइन बिकता है या सेल आउट होता है वो स्कैम नहीं होता। इसके पीछे एक रीजंस होते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज या किस तरीके के कोर्सेज जो है वो स्कैम में कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल थिंकिंग की, बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग से। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में किन किन के दायरे में आने के बाद आप समझ सकते हो कि ये जो है वो स्कैम की तरफ धीरे धीरे जाता जा रहा है, तो आप उस ट्रैप से बच सकते हो। होता क्या है, देखिए कोर्स तब तक कोर्स है या कोर्स तब तक पढ़ाई के नजरिए से पढ़ाया जा रहा है जब तक उसमें कोर्स है, मतलब कि उसका कंटेंट है। कोर्स पढ़ाते वक्त या कोर्स बनाने वाले ने कोर्स सेल आउट करते वक्त हमेशा वो बताएगा कि उसका टीचर कौन है, मतलब उसको पढ़ाएगा कौन आपको, जब आप ये कोर्स लेंगे उसको पढ़ाएगा कौन। दूसरा, उसमें कोर्स कंटेंट कितना है, हिंदी है कि इंग्लिश है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या फिर लाइव लेक्चर्स हैं, क्या है वो कोर्स के रिलेटेड बात करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऑनलाइन कोर्स सेल आउट हो और आप उसको एनरोल करने का सोच रहे हो, तो हमेशा ये याद रखिए कि वो कोर्स के रिस्पेक्टिव में बात चल रही हो। धोखाधड़ी और स्कैम वहां से स्टार्ट होता है जहां पर कोर्स नहीं होप बेचा जाता है। होप का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें दिखाना जिससे उस कोर्स को करने के बाद आपको जो दुनिया में जो सक्सेस मिलेगा वो चीज़ को दिखाना, वो चीज़ को बताना, उसे बोलते हैं होप। सबसे पहले बात करते हैं कि होप किन किन ऑडियंस को दिखाया जाता है, आपको दिखाया जाता है, मुझे दिखाया जाता है, किसको दिखाया जाता है और कौन इस ट्रैप में फंसते हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि क्या होप दिखाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं किस ऑडियंस को होप दिखाया जाता है, कौन उनके टारगेट ऑडियंस होते हैं। यहाँ पर दो तरीके के लोग फंसते हैं इनके कोर्स के जाल में, जो ट्रैप होता है। सबसे पहला है हाई पेइंग दिखाना। मान लीजिए कि आपकी कोई खुद की एक जॉब लगी हुई है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो काफी कम सैलरी है या आपका उससे खर्चा नहीं निकल रहा, और आपके ऑनलाइन स्क्रीन पर सामने से आ जाए कोई बोल रहा हो कि आप हमारा कोर्स लीजिए और आप अपने कोर्स को स्विच कीजिए, मतलब अपने कैरियर को स्विच कर लीजिए। ये जनरली होता है आईटी सेक्टर में। मान लीजिए आप नॉन आईटी सेक्टर बैकग्राउंड से हैं और आपको बोला जाएगा कि आप डेटा एनालिस्ट बन जाइए, है ना, या आप आईटी सेक्टर में आ जाइए, आपको बस ये सीखना है, 6 महीने की ट्रेनिंग लेंगे और आप अपने कैरियर को स्विच कर लीजिए और आपको हाई पेइंग जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहां पर लगेगा कि आपकी सैलरी कम है ये करने के बाद 6 महीने के बाद, और 6 महीना आप और स्ट्रगल करोगे तो 1 साल के बाद आपका कैरियर स्विच हो चुका होगा और आप डायरेक्ट हाई पेइंग जॉब में चले जाओगे। और ये जनरली जो है स्कैम वो चलता है आईटी सेक्टर वालों के लिए, मतलब आईटी का जब कोर्स बेचना होता है, जैसे डेटा एनालिस्ट है, ठीक है, डेटा डेवलपर है, तो जब इनका बेचना होता है, वेब डेवलपर है, इन कोर्सेज को बेचना होता है, तब ये वाले हाई स्किल्स या हाई पेइंग जॉब जो है वो बताया जाता है कि आप अपने कोर्स को स्विच कर लो, ये कहानी सुनाई जाती है, ये होप दिखाया जाता है। फिर दूसरे जो ऑडियंस होते हैं किनको फंसाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा कोर्स कर लिया है या कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ ली है, कोई ऐसा कैरियर चूज कर लिया है जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है और आपकी जॉब नहीं लग रही। जैसा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मैं बोलता हूँ सिविल इंजीनियरिंग था, इंजीनियरिंग के अंदर सिविल इंजीनियरिंग बहुत लोगों ने इस कोर्स को कर लिया, हद लेवल पे अंधाधुंध बिकना स्टार्ट हुआ और हर किसी ने प्राइवेट कॉलेजेस खोले और इसमें हर स्टूडेंट ने अपने आपको एनरोल किया और पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। हर एक घर में आपको इंजीनियर देखने को मिल जाएगा। अब उनकी जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही तो अब उनके पास ऐसे कोर्सेज आते हैं और आप देखोगे कि उनके पास क्या कोर्सेज आते हैं कि आप ये वाला कोर्स कर लो और आप लाइफ चेंजिंग स्किल्स सीख लो और आपको एकदम उसका जो है वो आप मतलब आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी, उसको करने के बाद आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ था 5-6 साल पहले की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग। हर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट ने जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया। क्या होप दिखाया गया, होप ये दिखाया गया कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, 3 महीने का या 6 महीने का, हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे और इस कोर्स को करने के बाद आप खुद के क्लाइंट ला सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, इंस्टाग्राम चलाना, सोशल मीडिया हैंडल करना, वेब डेवलपमेंट करना, ऐप डेवलप करना, हर एक चीज जो है वो आपको सिखाई जाएगी और आप डिजिटल मार्केटिंग के एक कैरियर में आ चुके होंगे। अब लॉजिकली सोचो, डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसके अंदर कोई भी स्टूडेंट जा सकता है, जो पढ़ रहा हो वो भी और जो नहीं पढ़ रहा हो वो भी। उसके अंदर कोई एंट्री सेगमेंट लेवल कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ आपको 10th होना जरूरी है, आपको 12th होना जरूरी है, कोई भी जा सकता है। तो इसका मतलब जो बेरोजगार है वो तो जा ही रहा है, सिविल इंजीनियरिंग वाले, जो पढ़ रहे हैं वो भी उसके अंदर जा सकते हैं, और जो नहीं पढ़ रहे, जो मान लो कि आप 10th भी नहीं किया, 11th भी नहीं किया, कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, वो भी उसके अंदर जा रहे हैं। तो जिस कोर्स के अंदर हर कोई जा सकता है
वो कितना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो आप लॉजिकली सोच के देखो। तो इसलिए आप देखोगे कि इंजीनियरिंग वाले जितने भी स्टूडेंट थे ना, उन्होंने ऑलमोस्ट, अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो ऑलमोस्ट उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखा होता है। बहुत कम लोग हैं जो उसमें बूम कर जाते हैं और अच्छा कर जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग उस ट्रैप में फंस के और डूब के रह जाते हैं और उनका कोर्स खरीद लेते हैं, और कोर्स खरीदने का उनको होता कुछ नहीं है। तो यहाँ पर दो तरीके के टारगेट हो जाएंगे, एक वो कि आपकी जॉब में सैलरी कम है, आप आईटी के कोर्स कर लो, आपकी हाई पेइंग जॉब हो जाएगी। दूसरा वो कि क्या आपकी जॉब नहीं लग रही, आप या तो कैरियर स्विच कर लो या फिर आप ये वाला स्किल्स कर लो, जो कि आजकल आप देख रहे होंगे कि अगेन आर्किटेक्ट्स को, इंटीरियर डिजाइनर्स को और इंजीनियर्स को और ट्वेल्थ वालों को और टेंथ वालों को दोबारा से एक नया कोर्स जो है वो काफ़ी मशहूर होता हुआ दिख रहा होगा, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स। ठीक है, ये भी वही कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग की तरह, कोई भी इसके अंदर एंट्री कर सकता है, इसका कोई एंट्री सेगमेंट कोई वो क्राइटेरिया नहीं है। तो क्राइटेरिया नहीं है मतलब कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है और किधर से भी आगे कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हर किसी को होप दिखाया जा सकता है। जब हर किसी को होप दिखाया जा सकता है, इनके कोर्स को ज्यादा एनरोल लोग करेंगे। आर्किटेक्ट को आप आर्किटेक्ट के तरीके से कर लो, सिविल इंजीनियर को सिविल इंजीनियर के तरीके से कर लो, और ट्वेल्थ वाले को ट्वेल्थ के तरीके से कर लो कि आप इसमें आ जाओ, या आईटी सेक्टर का जो है एक कैरियर फील्ड है यूआई यूएक्स डिजाइनर, आपको कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप इसमें आ जाओ और अपना काम कर लो। तो इस तरीके से होप दिखा के आपके कैरियर को स्विच करवाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कि टारगेट ऑडियंस है कि इन दो तरीके के लोगों को टारगेट किया जाता है। अब बात करते हैं होप दिखाया क्या जाता है। आप हमारा ये कोर्स ले लो, ये लाइफ चेंजिंग स्किल्स है। लाइफ चेंजिंग स्किल्स का मतलब इसके बाद आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। यही एक कोर्स है, यही एक स्किल्स है जो आपको सीखनी चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ से आपके कैरियर की ग्रोथ यहाँ तक पहुँच जाएगी। बेसिकली उसमें कोर्स की बात नहीं हो रही, उसमें इसके प्रॉफिट की बात हो रही है कि बस यही ही एक स्किल्स है जो आप लोगे और यहाँ तक पहुँच जाओगे। दूसरा, कोर्स की बात नहीं होती है, जॉब गारंटीड, मतलब कि आप ये कोर्स ले लो और हम आपकी जॉब लगवाएंगे, ये गारंटीड है। तो दूसरा तरीका ये होता है। तीसरा, प्लेसमेंट असिस्टेंट देना, मतलब कि आप हमारे इस कोर्स को लो, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाएगी तब तक हम आपको, हमारी प्लेसमेंट असिस्टेंट टीम जो है वो आपको असिस्ट करती रहेगी जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती। फिर नेक्स्ट जो इसमें होप दिया जाता है वो है कि हम आपकी हेल्प करेंगे वन ऑन वन सेशन में डाउट क्लियर करके, लाइव सेशन करेंगे और आपके वन ऑन वन डाउट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। फिर एक और आता है इसके अंदर, रिज्यूमे बिल्ड करके देंगे हम आपका। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस हमारा ये 6 महीने का कोर्स करो, उसके बाद सारी हमारी टीम जो है वो आपकी हेल्प करेगी और आपको एक अच्छे कंपनी में जो है वो जॉब लगवा के देगी। हमारे साथ 50 या 100 कंपनी जो है वो टाइप में है, हम आपको असिस्ट करेंगे, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक हम आपको असिस्ट करेंगे, और इतने लाख का पैकेज आपको जनरली मिलेगा ही मिलेगा इनिशियल फेज में, बाद में आगे जाके बढ़ जाएगा। ये आपको ऐसे लुभाया जाता है। तो बेसिकली यहां पर आप देखोगे ना, तो कोर्स की बात नहीं हो रही, यहां पे कोर्स कौन टीचर पढ़ा रहा है नहीं पता चल रहा, कितने घंटे का है, ये सब सेकेंडरी है। यहाँ पर होप बेचा जा रहा है। होप क्या है कि आप कर तो लो, उसके बाद देखो हम आपको जॉब में गारंटीड नहीं देते हैं, तो आपकी जॉब लगेगी लगेगी, अगर नहीं लगती तो तब तक हम आपके साथ खड़े हैं, जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी तब तक हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम आपको रिज्यूमे भी बिल्ड करके देंगे, आपको क्यों टेंशन लेना है, हम आपको रिज्यूमे या सीवी बिल्ड करके देंगे, हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी हमारे पास पड़ी हुई है। तो आपको इस तरीके की ना फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। फिर रही कहीं फीस आ जाती है, तो फीस में ईएमआई ऑप्शन आप लोगों को दे देते हैं, तो आप लोग वहां पर जो है उस ट्रैप में फंस जाते हो। कई बार मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे, मैंने कई बार 449 के कोर्स खरीदा है, कई बार मैंने 999 का कोर्स खरीदा है, कई बार मैंने 9 रुपीज का कोर्स खरीदा है। तो ये काफी बड़ा एक ट्रैप है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो ट्रैप है वो आता है फ्री कोर्स को लेके। फ्री कोर्स का तो फंडा ही अलग है। फ्री कोर्स का ये है, आपको एक होप दिखाया, एक स्किल्स दिखाई, एक होप दिखाया, और उसके बाद बोला नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करो और आप फ्री रजिस्टर मास्टर क्लास में हमारे आ जाओ, और उसके बाद हम आपको ये स्किल्स जो है वो फ्री में सिखाएंगे। होता क्या है पता है, मैंने खुद ने इस पे ट्राई किया हुआ है। मैं जितने भी इस वीडियो में कंटेंट बोल रहा हूँ वो सब मेरे खुद पे ट्राई किए हुए हैं, लोगों के फिर रिव्यूज पढ़े हुए हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सारे तरीके मैंने खुद पे इंप्लीमेंट किए हुए हैं, मैं खुद इस पे धोखा खा चुका हूँ। ठीक है, अब उसमें होता क्या है, आप मास्टर क्लास ज्वाइन कर लो, फ्री मास्टर क्लास है, एक की जगह पर 1000 तो इनके ईमेल आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ईमेल आप फिर भी झेल लो, लेकिन मेरे जैसा इंसान ईमेल भी नहीं झेल सकता। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ईमेल जो होती है ना, जो मेरे जीमेल में इनबॉक्स होता है वो क्लीन चाहिए होता है, लेकिन इनके ईमेल बार 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 हर 5 मिनट में आता रहता है। लेकिन चलो ठीक है, आपको कोई स्किल्स चाहिए तो आप इतनी प्रॉब्लम झेल लोगे। जैसे ही आप इनमें एनरोल करते हो, क्या पता चलता है आपको, आपको पता चलता है कि 1.5 घंटे तक आपको एक ही बात बताई जा रही है, वो ये है कैसे ये प्रॉब्लम होती है, कैसे इस कंपनी ने हमारे साथ जुड़ के इतने बड़े ब्रांड बन गए, कैसे आप भी हमारे साथ बन सकते हो, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग। जैसे मान लो कि वो, उनको ये कैरियर नहीं पता, उनको रोड मैप नहीं पता, उनको ये नहीं पता, बस उनको ये पता चल जाएगा तो इसके बाद ये तो वो यूं ही कर लेंगे। ठीक है, उनको एक मेंटोरशिप नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, एक जनरलाइज प्रॉब्लम की बात की जाती है, ताकि आप बार 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 कनेक्ट करते रहो। 1.5 घंटे बाद सॉल्यूशन ये निकलता है, फ्री कोर्सेज की बात करूं जो फ्री मास्टर क्लास में आपको बुलाते हैं, 1.5 घंटे बाद सॉल्यूशन ये निकलता है कि आप हमारे 2999 का कोर्स ज्वाइन करो या 2599
999 का 25 या 26 हजार का कोर्स आप हमारा ज्वाइन करो, उसके बाद हम आपको ये सारे सॉल्यूशंस देंगे तब तक जब तक कि आपका ब्रांड खड़ा नहीं हो जाए। समझ रहे हो आप, 26-26 हजार के कोर्स पहले आपको फ्री में मास्टर क्लास में बुलाया जाता है, वहां पे आपको जरूरत क्रिएट करवाई जाती है और फिर आपको एक बड़ा कोर्स चिपकाया जाता है। इसमें भी कई बार ट्रैप होता है, पहले आपको 49 रुपीज का कोर्स दिया जाएगा, फिर 49 का आप कर लोगे, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम बता के बोलेंगे अच्छा आपको और आंसर जानना है तो आप 99 का कोर्स लो, फिर 99 के बाद बोलेंगे 199 का कोर्स लो, तो ऐसे इनका चलता है। इसको ये लोग बता क्या बोलते हैं, फनल बोलते हैं, कि ये पूरा फनल होता है। फनल कैसे होता है, देखो फनल कैसे होता है, फनल ऐसे कुप्पी जैसे बोलते हैं ना, कुप्पी फनल ऐसे, मतलब बड़े एरिया से गिरना स्टार्ट किया, छांटते छांटते पूरा अपने ट्रैप में फंसा लेना, ठीक है, मतलब 1000 लोगों तक पहुंचा, 1000 में से 500 लोग बेवकूफ बनेंगे, फिर उन 500 में से 150-250 ऐसे करते करते हर बार हर स्टेप पे कुछ लोग बेवकूफ बनते चलाते और इनका बिजनेस मॉडल खड़ा होता चला जाता है। ये होता है होप का बिजनेस और ये होता है पूरी इनकी फनल, इसको ये लोग फनल बोलते हैं। तो फ्री मास्टर क्लास का तो एकदम अलग ही फंडा है, एकदम अलग ही फंडा, और वो यही है कि ये लोग बाद में आपको अपना कोर्स जो है वो देने की कोशिश करते हैं। ये फंडा तो हो गया फ्री वाले का। अब बात करते हैं जहां पर आप पे करते हो, पे करने पे क्या होता है, ये जो आपको जॉब गारंटीड बोला जाता है, 1-to-1 डाउट क्लास बोला जाता है, उसके बाद आपको लाइव क्लासेस बोली जाती है, साथ ही साथ आपको चिपकाया जाता है कि हम आपको फ्री में रेज्यूमे बिल्डर बना के देंगे, ठीक है, उसके बाद बताया जाता है कि हमारी जो प्लेसमेंट टीम है वो आपको असिस्ट करेगी, कब तक, जब तक कि आपकी जॉब नहीं लग जाती, तो ये सारी चीज़ें जो बताई जाती है। तो आपने 499 का 999 का कोर्स खरीद तो लिया, आपको ये बताया जा रहा है, एक्चुअली में इनकी रियलिटी क्या है, जब आप इनके कोर्स को ले लेते हो ना, EMI पे आपने ले लिया, इनके आप तभी कस्टमर बन गए और इनका प्रॉफिट उसी दिन हो गया, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, सिंपल सा है, बोलते हैं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, जैसे आपने कोर्स कर लिया 6 महीने का, 6 महीने में वही बेसिक चीज़ें जो आप किसी भी कोर्स में ले सकते थे या फ्री में यूट्यूब पे थोड़ा तोल मोल के जोड़ के पढ़ सकते थे या किसी किताब से पढ़ सकते थे, वो सारी चीज़ें सिखाई गई, ठीक है, इक्का दुक्का अपना एक्सपीरियंस जोड़ दिया, मतलब बहुत वैल्यू एडेड या वर्दी नहीं है, जिस तरीके से दिखाया गया ना लाइफ चेंजिंग स्किल्स की तरह कि हम आपको सिखाएंगे, वो सारी चीज़ें नहीं है, एकदम बेसिक जो नॉर्मल होना चाहिए बस वही ही होता है, ठीक है, वो पढ़ा दिया। उसके बाद क्या है, अब आती है बारी कि जो उन्होंने हमें क्लेम किया था 100% जॉब गारंटी। 100% जॉब गारंटी पता है क्या होता है, आपको बोला आपको एक जॉब पोर्टल में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा या टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा और उसमें क्या करेंगे, आपको ज्वाइन कर देंगे और रोज के बेस पे उसमें 50-60 कंपनियों को जो है उसमें वो लोग डालना स्टार्ट करेंगे और उसमें बोलेंगे आपको खुद से बैठ के अप्लाई करना है। अब आप 50-60 में रोज के बेस में कम से कम आपको 20-30 तो अप्लाई करना ही होता है, ऐसा उनका खुद का कहना है कि रोज के बेस पे आप 20-30 पे अप्लाई करोगे तब जाके आपको जॉब लगेगी, ठीक है, मतलब अब आप रोज बैठ के 20-30 6 महीने बाद आप बैठ के रोज यही काम करते रहो। दूसरा, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे, कैसे हेल्प करते हैं पता है, एक वीडियो का लिंक दे दिया, लो वीडियो देख लो और आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं वो सीख जाओगे। तीसरा, 1-to-1 डाउट लाइव क्लास जो है वो हम चलाएंगे, तो आप ये सुन के चले जाते हो कि हम अपनी प्रॉब्लम पूछ लेंगे सामने वाले से जो कोर्स ये बना रहा है। होता क्या है, आपके जैसे 1000 लोग स्क्रीन पे पड़े हुए होते हैं जिन्होंने भी कोर्स को खरीदा है, एनरोल किया है, आपकी तरह ही होते हैं वो लोग भी, ठीक है, उनके वॉइस को जो है वो म्यूट कर दिया जाता है ताकि वो पूछ नहीं पाए, उनको बस टाइप करना होता है चैट पे ना, टाइप करना होता है, और जैसे मान लो आपने मेरा कोर्स लिया है तो आप बस मुझे टाइप करोगे, आपके जैसे 1000 लोग टाइप करते रहेंगे और मैं नीचे जिसका भी मुझे कमेंट ऊपर दिखा या लाइव चैट में दिखा मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो मैं भी किसका आंसर दूंगा, मैं भी उन्हीं का आंसर दूंगा जो मुझे क्वेश्चंस ईजी लग रहे होंगे। अब आप में से मान लो 10 लोगों ने अगर टफ क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। 1000 लोग एक साथ मैसेज करेंगे तो क्या 1000 एक बार में दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। क्या मैं 1000 कैटर कर पाऊंगा, नहीं। जिनका टॉप पे दिख रहा होगा, जब मैं जिसको देखना या जिसको मैं आंसर देना चाह रहा हूँगा मैं उन्हीं को दूंगा। तो कहने का मतलब है, आपको बोला तो जाता है कि 1-to-1 लाइव डाउट क्लासेज है, तो लाइव तो हो ही रहा है, आप मेरे साथ लाइव हो, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, आप सिर्फ लिख पा रहे हो लेकिन है तो लाइव। तो ये लूप होल होते हैं उनके अंदर कि कैसे ये लोग क्या बोलते हैं वही दे रहे होते हैं लेकिन फंसा के दे रहे होते हैं, ठीक है, मतलब आप हो भी और नहीं भी हो, वो एक तरीके का दोनों ही, आप ये कह लो कि आप हो के भी नहीं हो उस जगह पर, ठीक। तो इस तरीके से होता है। फिर आते हैं प्रोफाइल बिल्डर की, मतलब हम आपको जो है वो रिज्यूमे बना के देंगे, रिज्यूमे घिसा पिटा बना के देते हैं, मतलब इनके AI टूल्स होते हैं, नहीं तो फिर ये किसी कैनवा को ले लेते हैं, वही घिसा पिटा सबके लिए सेम बना के दे देते हैं। आप लॉजिक लगा के देखो, लॉजिकली आप सोचो, ये आपको प्लेसमेंट देंगे, कब तक असिस्ट करते रहेंगे, कब तक आप उस टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, ठीक है, ये आपको असिस्ट करते रहेंगे। उस असिस्टेंट का मतलब ही क्या है, आपके जैसे 10,000 लोग वो चीज़ सुन के उस कोर्स को एनरोल कर चुके हैं, वो आपको ही स्पेशल बिल्ड वो रिज्यूमे बना के क्यों देंगे, नहीं देंगे, वो सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला के रख देते हैं, उनका तो उसी दिन काम हो जाता है जिस दिन आपने उनको कोर्स की फीस दे दी, ठीक है, उनकी कोर्स की फीस दे दी उसी दिन उनका काम हो गया, उसके बाद बस उनको आपको घसीट पसीट के रखना है, और उसके बाद अगर आपको लास्ट में आपको होगा ये कि 6 महीने का आपने कोर्स लिया है तो 6 महीने का आपने पढ़ाई की, 1 महीने तक आपको रियलाइजेशन हो गया, आप थक गए कि भाई ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, इतना आप इन पे ध्यान दोगे नहीं, उसके बाद आप छोड़ दोगे, फिर आप खुद से अपना हाथ पैर मारने लगोगे और आपको लास्ट में पता चलेगा क्या कि कैरियर स्विच करके तो मैंने गलती कर दी,
ठीक है, डाटा एनालिस्ट बनने का मैंने बेमतलब का ख्वाब देख लिया। देखिए इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता कैरियर स्विच करना। क्यों नहीं होता मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपके जैसे 10,000 लोग यही कोर्स को सुन के जब आते हैं तो वो 10,000 लोग एक साथ अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उन 10,000 लोगों की नरिशमेंट क्या ही हुई होगी आप एक बार सोच के देखो, उनको क्या ही नॉलेज और क्या ही एक्सपीरियंस मिला होगा उन 10,000 लोगों को। सबके पास वो सर्टिफिकेट तो है जो फ्री में सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन क्या ही मिला होगा वो सोच के देखो आप। तो कोर्स, ऑनलाइन कोर्स जो है वो तब तक कोर्स है जब तक कोर्स के ऊपर बात हो रही है, ना कि होप के ऊपर बात हो रही है। जहां पर होप के ऊपर बात होती है ना, वहां पे लोग खुद कोर्स को नहीं देखते हुए होप के ऊपर देख रहे होते हैं कि भाई मुझे तो ये आता है, लाओ ये मेरी जॉब लगवा देंगे, इस कोर्स को एनरोल कर लेते हैं, ये मेरी जॉब लगवा देंगे, तो वो होप बेच रहे होते हैं। मेरा खुद का ऑनलाइन कोर्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, है ना, मैंने प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है, आर्किटेक्चर डिग्री मैंने कर रखी है, 5 साल का कोर्स होता है, ठीक है। उसके अंदर ही मैं प्रोफेशनल लोगों के लिए मैंने खुद का एक कोर्स बनाया है जो कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स इंटीरियर या जो वर्किंग ड्राइंग करना चाहते हैं उनके लिए बनाया है, ठीक है। मैंने उसमें कभी भी आज तक होप नहीं बेचा, मैंने सिंपल सा बोला है अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है और आप इस ड्राइंग को बनाना नहीं जानते हो तो आप इस कोर्स को ले सकते हो। सिंपल सा हिंदी में ये कोर्स है, कोई लाइव क्लासेस नहीं है, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस है। अगर आपको टेक्निकल स्किल सीखनी है, आपने अपने कॉलेज से नहीं सीखी है या किसी रीजन से नहीं सीख पाए हो, आप सीख सकते हो। बस सिंपल सी ये बात बोली है, मैं ही इसका टीचर हूँ। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगता है तो आप लोग ले सकते हो। अगर आप लोग नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, ठीक है, तो आप मेरा YouTube चैनल जाके देख सकते हो। तो मैंने सिंपल सा ऐसे बोला है और बोल के अपना कोर्स को जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। तो कहने का मतलब है कोर्स तब तक कोर्स है जब तक आप कोर्स के कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हो। मैं वहां पर अपने कोर्स के कंटेंट के ऊपर बात कर रहा था, लेकिन वहीं पर जब मैं दूसरे के एड्स देखता हूं, मैं देखता हूं सिर्फ होप के ऊपर बात कर रहे होते हैं। कोर्स के कंटेंट से कुछ लेना देना नहीं है, कौन उसमें टीचर होगा, कौन पढ़ाने वाला होगा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस हर कोई अपनी अचीवमेंट बता रहा होता है, मेरा बड़े बड़े मैगजीन में नाम छप गया है, इसमें छप गया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक धारणा आज की डेट में बन गई है और वो ये है कि ऑनलाइन कोर्स जो है वो एक स्कैम है, जिसमें आप कह सकते हो कि हाँ ये एक स्कैम है, लेकिन फुल्ली स्कैम है नहीं, गेहूं के साथ घुन पिसता है ये आप भी जानते हो, ठीक है। तो वो घुन तो पिसेगा और गेहूं तो पिस ही रहा है, तो वो वाली कहानी है कि आपको समझना पड़ेगा कि गेहूं के साथ जो है वो घुन पिसता है, गलत लोगों के साथ साथ कई बार सही लोग भी फंस जाते हैं, वो चीज़ होती है। आई होप सो कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, एक समझ मिली होगी। जब भी अगली बार अगर आप कोर्स देखें, अगर आपको बिलीव नहीं करना ऑनलाइन कोर्स पे, मत कीजिए। अगर आपको करना है तो कीजिए, लेकिन तब कीजिए जब वहाँ पर होप की बात नहीं हो रही हो, कोर्स की बात हो रही हो। सिंपल सा फंडा है, कोर्स क्या है, हिंदी में है कि इंग्लिश में है, लाइव रिकॉर्डेड है कि नहीं है, कौन टीचर पढ़ा रहा है, उस टीचर के पढ़ाने का स्किल्स क्या है वो पता होना चाहिए। बस आप उससे कनेक्ट कर पाओ, सिंपल सी बात है। क्योंकि हर किसी को अपने ज़िंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी है, वो कोर्स आपकी ज़िंदगी की लड़ाई लड़के नहीं देगा। मैं अगर अपने कोर्स में बोल दूं कि आप मेरा कोर्स लीजिए, मैं आपको जॉब ला के दूंगा, भाई आपकी ज़िंदगी की लड़ाई है, मैं कैसे लड़ लूँगा। अगर आप इंटरव्यू में कोई चीज़ बोल ही नहीं पा रहे हो, आपका नाम पूछ रहा और आप थर थर कांप रहे हो, भले ही आपने मेरा कोर्स ले रखा है, तो क्या वो मेरे रेफरेंस पे आपको जॉब देगा? नहीं देगा। आपको अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी है, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी है। हम बस आपको स्किल्स दे सकते हैं, कोर्स बेचने वाला इंसान बस आपको स्किल्स दे सकता है। लड़ाई आपकी खुद की है, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। हमने खुद लड़ी है, आपको खुद को लड़नी पड़ेगी। सिंपल सा फंडा है, कोई आपके बिहाफ पे आके लड़ाई नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रियलिटी के साथ। टिल देन बाय बाय। चाहे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।